क्या होगा अगर ट्रेन के ऊपर ही बिजली गिर जाए? तो यह घटना कुछ दिन पहले की है। वंदे भारत एक्सप्रेस पुरी से हावड़ा की तरफ आ रही थी, तो यह ट्रेन पुरी से 1:50 में छोड़ा गया था। पुरी से हावड़ा जाने में इसको लगभग 8 घंटे का समय लगता है। तो नॉर्मली ट्रेन 1:50 पुरी से छोड़ा गया। उस दिन वेदर की कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन वेदर से ट्रेन का क्या लेना देना। तो इसी सोच को दिमाग में डालकर जो ड्राइवर है वो ड्राइवर ट्रेन को आगे ले जा रहा है। लगभग कुछ घंटे चलने के बाद वेदर और भी खराब हो गया और 4:45 में एक ऐसा चीज हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाए। 4:45 में ट्रेन अचानक रुक जाता है। ट्रेन में बैठे हुए पब्लिक का ये कहना है कि अचानक बहुत जोर से एक आवाज आया एंड ट्रेन कुछ देर जाने के बाद ट्रेन रुक गया। ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी चला गया, क्या हुआ कुछ पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं क्या हो गया। अचानक एक जोर से आवाज आया एंड सब कुछ बंद हो गया। रिपोर्ट के अनुसार कुछ देर बाद देखा गया कि जो ड्राइवर का वाइंड स्क्रीन है वो टूट गया है, पेंटोग्राफ टूट गया है, C13 कंपार्टमेंट का ऊपर का जो शेड है वो टूट गया है, C12 कंपार्टमेंट का ग्लास जो है वो भी टूट गया है। आखिर क्या हुआ था उस दिन? तो आइए समझते हैं। लोगों का कहना है कि ट्रेन के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक हुआ था, उसके वजह से ट्रेन में डैमेज हुआ था, उसी की वजह से ट्रेन बीच में ही रुक गया। अब समझते हैं कि लाइटिंग स्ट्राइक होने पर ट्रेन के ऊपर क्या क्या डैमेज हो सकता है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेन कैसे काम करता है। मैं सिंपल लैंग्वेज में एक छोटा सा एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा कि ट्रेन एक्चुअली काम कैसे करता है। जैसा कि आप सभी ने ट्रेन में तो देखा ही होगा कि ट्रेन के ऊपर एक वायर रहता है जिसके साथ ट्रेन का एक इक्विपमेंट कनेक्ट रहता है जिसे हम पेंटोग्राफ कहते हैं। ये पेंटोग्राफ ऊपर वाले वायर के साथ कनेक्ट रहता है। इस ऊपर वाले वायर में 25,000 वोल्ट रहता है, तो ऊपर से इसे फेस मिल जाता है। आप सभी को पता है कि कोई भी इक्विपमेंट को चलने के लिए कम से कम 2 चीज की जरूरत पड़ती ही पड़ती, एक होता है फेस और एक न्यूट्रल, तो आपको चाहिए ही चाहिए। फेस एंड न्यूट्रल आपको चाहिए ही होगा। तो इसके अंदर जो मोटर है उसे भी चलने के लिए 2 चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एक फेस की जरूरत होगी, एक न्यूट्रल की जरूरत होगी। तो ऊपर से ये तो फेस ले रहा है, लेकिन न्यूट्रल कहाँ से ले रहा है? न्यूट्रल ये नीचे से ले रहा है, नीचे से मतलब रेलवे ट्रैक से ले रहा है। आप सभी ने कभी ये नोटिस किया है कि जो रेलवे ट्रैक है उस ट्रैक से एक लोहे का एक स्ट्रिप कनेक्ट रहता है। आप अगर कभी भी ट्रेन के ट्रैक पे जाओगे तो ये चीज़ जरूर नोटिस करना कि ट्रेन के ट्रैक के साथ क्या होता है कि एक लोहे का स्ट्रिप कनेक्ट रहता है। ठीक है, ऐसे लोहे का स्ट्रिप आप देखोगे कि बहुत सारा लोहे का स्ट्रिप ऐसे कनेक्ट होकर जमीन में चला जाता है। ये क्या करता है? अर्थिंग का काम करता है। तो ऊपर से ये फेस ले रहा है एंड नीचे से ये अर्थिंग ले रहा है, यही न्यूट्रल का काम कर रहा है। अर्थिंग न्यूट्रल का काम कर रहा है। रेलवे के ट्रैक के साथ इसका व्हील कनेक्ट है एंड व्हील लोहे का होता है, तो ऊपर से करंट पेंटोग्राफ की मदद से अंदर आएगा एंड न्यूट्रल की हेल्प से और नीचे जमीन में चला जाएगा। तो इसी की हेल्प से ट्रेन का जो मोटर है वो चलता है। तो ये ट्रेन का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है कि कैसे ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि अगर ट्रेन के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। ट्रेन का जो बॉडी है वो मेटल से बना हुआ होता है, आपको पता है, और ये बॉडी भी अर्थ के साथ कनेक्ट रहता है क्योंकि ट्रेन का पूरा जो बॉडी होता है वो आपको पता है मेटल से बना हुआ है। मान लो इस ट्रेन के ऊपर लाइटिंग स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा। सबसे पहले हम लाइटिंग स्ट्राइक को थोड़ा जान लेते हैं। आपके घर में बिजली कितना है? मैं मान लेता हूँ आपके घर में जो बिजली है 220 वोल्ट है। लाइटिंग स्ट्राइक का जो वोल्टेज होता है ना वो 10 से लेकर 120 मिलियन वोल्टेज होता है। मतलब आपके घर में जो वोल्टेज होता है उससे 25,00,000 गुना ज्यादा वोल्टेज उस लाइटिंग स्ट्राइक में होगा। अगर वो लाइटिंग स्ट्राइक ट्रेन के ऊपर गिरेगा तो जहां पर गिरेगा वहां पर डैमेज कर देगा पूरा, लेकिन जो करंट होगा वो इंस्टेंट जमीन में चला जाएगा। इंस्टेंट जमीन में तो चला जाएगा, लेकिन जहां पर गिरेगा उसको डैमेज कर देगा। मतलब अगर जिस कंपार्टमेंट पे गिरेगा उसके ऊपर जो छत है उसको डैमेज कर देगा, जो इक्विपमेंट है उसको डैमेज कर देगा। ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेगा। मतलब इसका हीट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसका करंट जो होता है वो 10,000 एम्पियर से लेकर 2,00,000 एम्पियर के बीच में होता है एंड इसका जो वोल्टेज होता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, मैंने आपको बताया। उस दिन भी यही हुआ होगा कि लाइटिंग स्ट्राइक जैसे ही ट्रेन के ऊपर गिरा जो इलेक्ट्रिक का इक्विपमेंट है
वो खराब हो गया था। जैसे ही लाइटिंग स्ट्राइक ऊपर गिरा, वो लाइटिंग स्ट्राइक का जो करंट है कुछ देर के अंदर ही वो जमीन में चला गया था। इसलिए कोई भी जो पैसेंजर जितना भी था किसी को कोई तरह के नुकसान नहीं हुआ था, यहाँ तक कि ड्राइवर भी सेफ था। लेकिन ड्राइवर को वाइंडशील्ड है वो टूट गया था, ऊपर जहाँ पर गिरा था लाइटिंग वहाँ पर डैमेज कर दिया था। ये ट्रेन उस हालत में नहीं था कि खुद चलकर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए, इसलिए एक डीजल इंजन को बुलाया गया। डीजल इंजन फिर इसको खींचकर अपने डेस्टिनेशन तक ले गया।